शहर शहर आग है, युवाओं ने मचाया कोहराम है। क्यों जल रही है ट्रेनें? क्यों देश का युवा सरकार से नाराज है? अग्निपथ के नाम पर देश हुआ आग के हवाले। देश की सेना को बनाएगी ये योजना विश्व में नंबर वन। जो युवा सेना में जाना चाहते हैं और वो इस योजना को लेकर भ्रमित हैं, तो इस रिपोर्ट को जरूर ध्यान से देखिएगा और समझिएगा कि सरकार ने ऐसा क्यों किया और इससे युवाओं का कितना फायदा होगा। इस योजना को लेकर पूरे देश में कोहराम है, शोर है, आग की लपटों में धू धू कर जलती देश की संपत्ति है। आखिरकार देश का भविष्य देश को ही किस तरह से आग के हवाले कर रहा है, ये तस्वीरें वाकई देश को निराश करती है। अगर आप भी इस विरोध प्रदर्शन को देखकर मोदी सरकार को अपना दुश्मन मान रहे हैं, तो हो सकता है कि आप मोदी मॉडल के दूरगामी सोच से शायद अनजान हैं। तो हम आपको बताते हैं कि कैसे ये योजना युवाओं के लिए नहीं बल्कि पूरे देश की तस्वीर को बदल सकती है। याद कीजिए वो वक्त जब भारत और चीन का युद्ध हुआ था। 1962 के युद्ध में भारत को मात मिली थी, उसकी एक वजह भी जान लीजिए। देश के पास उस समय उतना पैसा नहीं था कि वो देश के जवानों को आधुनिक हथियार खरीद कर दे सके। साथ ही सेना में जो जवान युद्ध के मैदान में उतरे थे, तो हमारा सवाल आपसे ये कि क्या आप 1962 वाला भारत चाहते हैं क्या? खैर, अब ये भी जान लीजिए कि 2022 के बजट में भारत सरकार ने 5,25,166 करोड़ का भारी भरकम बजट पेश किया था। इसमें से 20% यानी कि लगभग 1,19,000 करोड़ रुपए के आसपास का खर्चा सैनिकों की पेंशन में खर्च हो जाता है, ये भी बताया था। अब ये भी जान लीजिए कि सरकारी बजट का हर साल 2,33,000 करोड़ रुपया जवानों के दूसरे खर्चों पर खर्च होता है, इसमें हथियार शामिल नहीं है। अब अगर आप गणित के जानकार हैं, तो अंदाजा लगा लीजिए कि सरकार के पास 40-45% बजट का पैसा ही बच जाता है जिससे वो हथियार खरीद सके। आप, हम और हम सब जो देश प्रेमी हैं, वो सब देश की आर्मी को विश्व के शिखर पर देखना चाहते हैं, यानी कि नंबर वन। इसलिए ये योजना पेंशन और दूसरे खर्चों को कम करने की एक बेहतरीन योजना साबित हो सकती है और इससे होने वाली बचत से देश की आर्मी को आधुनिक हथियार थमाकर आर्मी को प्रभावशाली बनाया जा सकता है। अब ये भी जान लीजिए कि जो जानकार हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं, वो क्या मानते हैं। उनका मानना ये है कि ये योजना देश हित में है, लेकिन निजी हित के लिए शायद कारगर नहीं होगी। तभी तो जिन युवाओं को भ्रमित किया जा रहा है, वो विरोध पर उतारू हैं। कुछ विशेषज्ञ ये भी कहते हैं कि देश की आर्मी में भीड़ नहीं बल्कि कम उम्र के और क्वालिटी युक्त युवाओं की दरकार है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि अगर आपके अंदर जज्बा होगा, तो आप उन 25% में जगह बना लेंगे जिनकी नौकरी को आगे बढ़ाया जाएगा। अब आप उम्र को लेकर हो रहे विरोध के बारे में भी समझ लीजिए। ये 4 साल के गणित को भी ध्यान से समझिएगा। अग्निपथ स्कीम को समझने की जरूरत इसलिए भी है क्योंकि विरोध सबसे ज्यादा इसी बात को लेकर है। कुछ लोग जानबूझकर 4 साल की उम्र का जिक्र करके बढ़ाने का काम कर रहे हैं। कम उम्र में सेना की नौकरी क्यों? ये सवाल बार बार पूछा जा रहा है, तो उन लोगों को अपना नजरिया बदलना चाहिए। क्यों? अब वो भी समझिए। सरकार भी 17 से 21 साल के युवाओं को देश की सेवा करने का मौका देना चाहती है। जब युवाओं की 17 से 21 साल यानी युवाओं के बिगड़ने की उम्र यही होती है, उनके भटकने की उम्र यही होती है, उस उम्र में एक ताकतवर, अनुशासित, देशभक्त सैनिक प्रशिक्षण देकर देश में आने वाले तूफानों से लड़ने का जज्बा पैदा करके एक मजबूत व्यक्तित्व का निर्माण भी क्या गलत है? रोटी तो हर कोई कमा लेता है, लेकिन एक देशभक्त व्यक्ति का निर्माण आज बहुत जरूरी है। कल को अगर देश पर कोई बाहरी संकट भी आता है और आंतरिक सेना की टुकड़ी की जरूरत पड़ती है, तो ये ही अग्निवीर देश के काम आएंगे। अगर देश हित की बात को छोड़कर निजी हित की बात करें, तो भी ये अग्निपथ योजना हितकारी ही दिखाई देती है। समझिए कैसे। भारत सरकार इस स्कीम में 4 साल में लगभग 12 लाख के ऊपर आपको पैसा देगी। वो शायद एक सामान्य नौकरी में पाना एक सपने जैसा ही होगा, यानी आर्थिक दृष्टि से इस योजना के लाभ मिलेंगे। 48 लाख का बीमा, हर महीने 30 से 40 हजार का वेतन, और अगर कोई भी देश का सपूत देश के
शहीद हो जाता है तो उसके परिवार को 44 लाख रुपए की मदद मिलेगी। अब आपको सोचना होगा कि आपको भविष्य के विकास के लिए और मजबूत सेना के लिए कदम बढ़ाना है या फिर निजी हित के लिए देश का माहौल खराब करने के लिए विपक्ष के हाथ की कठपुतली बनना है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।